लोकप्रिय वीरेंद्र मुख्यमंत्री रहे। कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो आपको देख रहे हैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं, ये थावरचंद गहलोत की जगह ले रहे हैं, ये भी अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, सात बार मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आपको बता दें कि सातवीं बार वो लोकसभा के लिए चुनकर के आए हैं, लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सांसदों में से एक हैं और इससे पहले भी वो राज्य मंत्री रह चुके हैं, महिला तथा बाल विकास मंत्री वो रह चुके हैं, अल्पसंख्यक मंत्रालय में भी वो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ काम कर चुके हैं। चार दशकों का उनका राजनीतिक जीवन का अनुभव है। बाल श्रम को लेकर के उन्होंने डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर जो है वहाँ से पीएचडी की है। 67 वर्ष उनकी उम्र है और जैसे मैंने कहा कि थावरचंद गहलोत की जगह उन्होंने स्थान पाया है।